बहुत छोटा सफ़र है लेकिन समस्या बहुत है, क्योंकि 10 बजे के बाद एक भी ट्रेन नहीं है। लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही है और कैंसिल भी है। हाँ, बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो गई। 4-4, 6-6 घंटा अगर ट्रेन लेट होगी तो आम जनमानस को समस्या तो होनी ही है। आपको मतलब इनिशियल जो पॉइंट से 2.5 घंटा लेट स्टार्ट हुई थी साउथ बिहार पिछले कुछ दिन पहले, 2.5 घंटा उसने रिशेड्यूल कर दिया था। क्यों किया था, क्या किया था, कोई किसी को कोई जवाब देता है क्या, क्यों रिशेड्यूल हुआ, कहाँ पे क्या ब्लॉक है, जो किसी को पता है नहीं पता। आदमी ने बुकिंग कर रखा है 6 महीना पहले का, उसका कैसे करोगे, 3 घंटे के बाद आप उसको कैंसिल करोगे तो उसमें पैसा काट दोगे 50% उसका, तो दोनों तरफ से मर गया ना। बहुत समस्याएं हैं, आदमी को फैमिली लेके चलना है, आधी फैमिली हमारी उधर छूट गई, आधी इधर है, बाप रे, उस डिब्बे में है। तब क्या करे, आदमी को जाना है तो चढ़ना तो पड़ेगा। अब डायरेक्ट ट्रेन है नहीं कि डायरेक्ट हो तो आदमी चढ़ के चला जाए, बिलासपुर से टिकट है इसलिए जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं भाटापारा से। अभी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं रायपुर से भाटापारा तक का सफ़र कर रहा हूँ। बहुत छोटा सफ़र है लेकिन समस्या बहुत है, क्योंकि 10 बजे के बाद एक भी ट्रेन नहीं है। लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही है और कैंसिल भी है। हाँ, बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो गई। 4-4, 6-6 घंटा अगर ट्रेन लेट होगी तो आम जनमानस को समस्या तो होनी ही है। सरकार ने एक तो AC बढ़ा दिए हैं, जनरल घटा दिए हैं, और आम जनमानस AC का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सरकार को विकास के साथ साथ, हम मानते हैं कि विकास हो रहा है, मोदी जी की नीतियों में विकास दिखाई देता है, जगह जगह पे अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो आम जनता जो थोड़े पैसे कमाती है या जैसे अपना जीवन यापन कर रही है वो जनरल से ही यात्रा करती है, तो AC की जगह सरकार को जनरल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। AC जो बोगी है ट्रेनों में बढ़ गई है, स्लीपर कम हो गए, इससे तो मतलब लगातार दबाव जो है जनरल का बढ़ रहा है। जनरल का बढ़ रहा है, बड़े बड़े जो नेताएं हैं, जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, वो वंदे भारत में तो यात्रा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार वो एक बार आके जनरल में भी यात्रा करके देखे कि आम जनमानस की क्या समस्या है, क्योंकि आम जनमानस आपकी वंदे भारत का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। वो या तो स्लीपर से यात्रा करेगी या तो वो जनरल में चढ़ करके यात्रा करेगी। तो एक बार इस भीड़ को, इस जनता के बीच आप आकर महसूस तो करिए कि जनता की असल समस्या क्या है। जैसे मैं छात्रों की बात करूं, अगर गाड़ी 1 घंटा भी लेट होती है तो लोग यूपी से, बिहार से, यहाँ तक साउथ से पेपर देने आते हैं, उन बच्चों का पेपर छूट जाता है तो सरकार उसका भुगतान कैसे करेगी? जिसने अपने जीवन के 4-5 साल पेपर देने के लिए लगाए हैं, आप उसको सेंट्रल देते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 12-12 घंटा ट्रेन अगर आप लेट चलाएंगे तो उस बच्चे का जो जीवन खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छोटे से आप प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो थोड़ा सा डिले पे भी पेनल्टी लग जाती है। रेलवे की ट्रेनें 8-8 घंटा, 10-10 घंटा लेट हो रही है, किसी के स्वास्थ्य की समस्या है, किसी के पूरे भविष्य की समस्या है, तो वो व्यक्ति का जो भुगतान होगा उसको कौन भुगतान करेगा? मैं तो चलिए छोटे सफ़र में जा रहा हूँ तो हमको इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ से यूपी से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, उन जनमानस के साथ में बहुत ज़्यादा समस्या। पूरा देश सफ़र कर रहा है जी, पूरा देश सफ़र कर रहे हैं, और रायपुर हमारा राजधानी है छत्तीसगढ़ का। बहुत से लोग स्वास्थ्य के चलते जनरल में यात्रा करते, प्रायः हम लोग जब भी आना जाना करते कोई ना कोई मरीज हमको दिखाई देता है, तो उन लोगों की समस्या सरकार क्यों नहीं सुनती है? ये बहुत बड़ा विषय है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार और BJP अभी कह रही है विकसित भारत की बात कर रही है, 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रही है, और अभी 10 साल हो गए हैं सत्ता में BJP को, उसके बावजूद भी विकास का ढिंढोरा पीट रहा है। BJP कह रहा है कि हमने वंदे भारत शुरू किया है, हमने बुलेट ट्रेन शुरू किया है, लेकिन यहाँ के हालात कब बदलेंगे और कैसे बदलेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये बात तो स्वीकार करता हूँ कि BJP जब से सत्ता में आई है कहीं ना कहीं BJP का मेन टारगेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ में सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि आम जनमानस की मूलभूत सुविधाएँ भी होती है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में उनकी मूलभूत सुविधाओं को ही अगर सही नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। विकास जरूरी है लेकिन अंधा विकास कहीं ना कहीं नुकसान का कारण हो सकता है। यदि आप पेड़ों को काट कर ही पूरा विकास कर दोगे, कंक्रीट के ही जंगल बना दोगे, तो वो विकास की गिनती में नहीं आता। तो सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि जो आम जनमानस को समस्याएँ हो रही उन समस्याओं पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। ऐसा अभी क्या लग रहा है, अभी तो चुनाव है और चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आप? देखिए, माहौल तो सबको मालूम है कि चर्चा हो रही है केवल 400 की। कांग्रेस तो दूर दूर तक भी नज़र नहीं आती, केवल एक ही चर्चा चलती है, BJP 400 लाएगी या 400 नहीं लाएगी। तो मोदी जी ने तो अपना जो आप जुमला कह लो या अपना चुनावी नीति कह लो, जो देना था वो तो दे दिया। कांग्रेस तो दूर दूर तक भी नहीं है।
ऐसा मतलब विपक्ष में कोई है ही नहीं ऐसा? नहीं, विपक्ष में तो उनके टक्कर का कोई नेता नहीं। आप तो गजब हो यार, पहले सरकार को अपनी समस्याएं गिनाते हो, फिर सरकार की तारीफ भी करते हो। देखिए तो हम मत हम सरकार को देते क्यों हैं? सरकार अगर हमारी मूलभूत सुविधाओं को नहीं सुनेगी तो हमने तो मोदी जी को इसलिए चुना है कि वो राष्ट्र का विकास करे, आम जनमानस की समस्याओं को समझे। तो हमारा मत तो मोदी जी को है, लेकिन जो हमारी आम जो समस्याएं हैं वो भी सरकार को सुनकर चलना पड़ेगा। ये समस्याएं वाकई में हकीकत में सरकार को देखना पड़ेगा, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल की जो भीड़ है जब सफ़र करो तब पता चलता है कि वाकई में कितनी समस्याएं होती है। क्योंकि आज हम सफ़र कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं। आप जब देखेंगे यहाँ का माहौल तो आपको भी समझ आएगा, और जब सफ़र करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। दादा आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से ही हूँ। अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ खरसिया। खरसिया, ये जनरल में अक्सर सफ़र करते हैं आप? मैं सिंगल रहता हूँ तो हमेशा जनरल में ही सफ़र करता हूँ। फैमिली को लेने के लिए प्रोटेक्शन के लिए वो देना पड़ता है, फिर हायर कैटेगरी स्लीपर या फिर स्लीपर में जाना पड़ता है। ऐसा जब जनरल में आप लोग सफ़र करते हैं तो कितनी समस्याएँ होती हैं? समस्या जनरल की तो भयंकर है, सबसे वर्स्ट समस्या तो जनरल में ही है। चाहते हैं कि ये समस्याएँ समाप्त हो? हर कोई चाहता है कि ये समस्या समाप्त हो, कौन नहीं चाहेगा कि वह इतना अपन परेशानी झेल के जाएंगे। चलिए भीड़ तो सही है, एक घंटा दो घंटा का, लेकिन टाइम में अगर पहुंचा दी ट्रेन तो ये वाला समस्या भी थोड़ा झेलने के लायक रहता है। मतलब लेकिन अभी इसमें बैठे रहेंगे और ट्रेन को आप दो घंटा लेट कर दोगे तो समस्या जो थोड़ी सी थी वो इतनी बड़ी बढ़ जाती है कि मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है समझे से। तो है ना, इतना भीड़ में खचाच भरे हैं, भले ही 10 मिनट का रास्ता हो तो आदमी झेल ले, यही ट्रेन देखना 3 घंटे लेट पहुँचाएगी तो आदमी और कैसे करेगा। भीड़ तो एक समस्या है, लेकिन भीड़ के अलावा जो समस्या है वो टाइमिंग का है। ट्रेनें जो है लेट चलती है, भयंकर लेट चलती है। आपको मतलब इनिशियल जो पॉइंट से 2.5 घंटा लेट स्टार्ट हुई थी साउथ बिहार पिछले कुछ दिन पहले ही 2.5 घंटा उसने रिशेड्यूल कर दिया था। क्यों किया था, क्या किया था, कोई किसी को कोई जवाब देता है क्या क्यों रिशेड्यूल हुआ, कहाँ पर क्या ब्लॉकेज हुआ, किसी को पता है? नहीं पता। आदमी ने बुकिंग कर रखा है 6 महीना पहले का, उसका कैसे करोगे? 3 घंटे के बाद आप उसको कैंसिल करोगे तो उसमें पैसा काट दोगे 50% उसका, तो दोनों तरफ से मर गया ना। तो ये सब कौन देगा उसका रिफंड? क्योंकि रिफंड भी करने जाओगे तो बैंकिंग ने पहले ही चार्जेस काट रखा है आपका, क्या वो रिफंड होता है? नहीं होता है। ट्रेन में टिकट बुक करोगे तो उसमें भी सालाना ऑप्शन आपका खर्चा है। मतलब ऐसा लगता है कि रेलवे अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ, मनमानी तो है इसमें पूरा, कहाँ पे क्या रोकेगा क्या करेगा कुछ पता नहीं है। अभी क्या लगता है, अब तो सरकार नेता लोग आप लोग के पास पहुँच रहे होंगे, आप लोग से वोट मांगने आ रहे होंगे, अभी क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो अभी क्लियरिटी नहीं है, है ना, अभी जस्ट मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, वो सब एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद आपके जो भी हैं ब्लॉगर्स हैं इंटरनेट वाले हैं दुनिया भर की स्प्रेड करेंगे कि ये इसमें ये खासियत है, इसमें ये खासियत है। तो लास्ट मोमेंट के 2-4 दिन बचे रहते हैं, फिर उसके बाद जो जो पैसा दिया उसका हो गया ऐसा। हाँ, वो फाइनल फैक्ट है। हाँ हाँ, है ना, आदमी का मेंटेलिटी कुछ और रहता है, लास्ट के 2 दिन में सारे मेंटेलिटी चेंज हो जाते हैं। ये भी है, ये देश में सरकार बुलेट ट्रेन की चर्चा कर रहे हैं, वंदे भारत का चर्चा हो रही है, लेकिन जब समस्याएं ऐसे देखोगे तो ये सारी जो बातें हो रही है वो नज़रअंदाज करने वाली है, क्योंकि समस्याएं बड़ी है। तो लगता है कि बीजेपी इस बार आ पाएगी या कांग्रेस बाजी मार लेगी? नहीं, बीजेपी तो आ जाएगी यार, वो फैक्ट वाली चीज़ें, बीजेपी आ जाएगी। काम ज़्यादा होंगे सीट वगैरह भैया, लेकिन आ तो जाएगी बीजेपी। बीजेपी आ जाएगी, आ जाएगी, उसकी कोई वो नहीं है तुम्हारी, क्योंकि जो विपक्ष है ना वो खुद विपक्ष में एक दूसरे को ही काट पीट में भिड़े हुए हैं, तो कहाँ से आएगी ऐसा? मतलब हाँ, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है? सीधी बात विपक्ष कमजोर है। समस्याएं हमारे पास है, लेकिन हमारे पास मैं मतलब टेक्निकल चीज में जाऊंगा ना तो देखना, बीजेपी का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ, ये विपक्ष वाले एक दूसरे के ही वोट काटेंगे, बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ने वाला नहीं है। ये दूसरे एक दूसरे का काट के ना अपने आप में नुकसान करेंगे, और ले देकर जो खुन्नस रहेगा वो नोटा वाले मारेंगे ऐसा। और EDIT जो छापा पड़ रहा है उसका क्या मामला लगता है आपको? EDIT उतना अपने को नहीं पता कि किसके प्रेशर में EDIT सब छापे मार रहे हैं। नहीं, विपक्ष का कहना है कि मोदी बोल दे रहे हैं उसके घर में पहुंच जा रहा है ED और IT। देखिए, EDIT तो वैसे भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल होते हैं, उन भले ही बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन इंडिपेंडेंट यहाँ पे है नहीं। भारत इंडिपेंडेंट है लेकिन कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम आपसे डिपेंडेंट है, वो उससे डिपेंडेंट है, मोदी हमसे डिपेंडेंट है कि हमसे वो मांगता है वोट दो वोट दो। नाम का इंडिपेंडेंट चल रहा है, बाकी सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या बात। तो यहाँ का माहौल मैं दिखा रहा हूँ आपको, और भी लोग हैं जो लोग सीट में बैठे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, अभी तक खड़े लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। दीदी आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा सकते हैं? बिलासपुर।
ऐसे छत्तीसगढ़ी बोलता हस? हम नहीं करवा, नहीं बोला छत्तीसगढ़ी था, क्या बोलता ऐसे? ये और भी लोग हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे और समझेंगे आखिर माहौल क्या है। भैया क्या नाम आपका? लालजी पटेल। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी रीवा से। ऐसा एमपी मध्य प्रदेश रीवा से अभी आ रहे हैं आप? नहीं, रायपुर से रीवा जा रहे हैं। अभी रायपुर से रीवा जा रहे हैं जी? ऐसा, तो ये ट्रेन तो जहाँ रायगढ़ तक जाती है ना? नहीं, बिलासपुर में चेंज करेंगे। ऐसा, बिलासपुर में चेंज कर लेंगे जी। तो एक अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, उसके बारे में पता नहीं है। आपके एमपी में क्या चल रहा है? जब छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो एमपी कैसे बताएंगे? ऐसा, छत्तीसगढ़ का ही पता नहीं आपको? हम ड्यूटी वाले आदमी हैं, हम ड्यूटी करेंगे। हम क्या ड्यूटी करते हैं? मैं पार्ले फैक्ट्री में काम करते हैं। कौन सी फैक्ट्री में? पार्ले जी। पार्ले जी फैक्ट्री जी। ठीक ठाक मजदूरी मिलती है वहाँ? हाँ, मिलता है। ऐसा, मतलब सब सही चल रहा है? हाँ, ठीक है। लेकिन आप ऐसे लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कितनी समस्याएं होती है? बहुत समस्याएं हैं, आदमी को फैमिली लेके चलना है, आधी फैमिली हमारी उधर छूट गई, आधी इधर है। बाप रे, उस डिब्बे में है। हाँ। तो क्या करे, आदमी को जाना है तो चढ़ना तो पड़ेगा। हाँ हाँ। अब डायरेक्ट ट्रेन है नहीं कि डायरेक्ट हो तो आदमी उसमें चढ़ के चला जाए। हाँ। बिलासपुर से टिकट है इसलिए जा रहे हैं। ऐसा जी, तो इसे तो आप लोग ट्रेन में फिर बदलेंगे, ट्रेन को यहाँ से फिर उतरेंगे फिर जाएंगे, तो इसे तो बहुत ज़्यादा समस्या होगा क्योंकि लोग डायरेक्ट है बिलासपुर से, डायरेक्ट रीवा के लिए है। हाँ। रायपुर से नहीं है रीवा के लिए। ऐसा जी, तो सरकार तो बोलती है कि जनता परेशान नहीं है, लेकिन जनता तो यहाँ परेशान लग रही है। परेशान है, वही जो रीवा से बिलासपुर चला रहे वो रायपुर दुर्ग चल हो जाए तो पब्लिक को बहुत आसान हो जाएगा जाने आने। ऐसा, ये पसीना से ऐसे बिलासपुर तक भींग जाएंगे आप लोग? तो करें क्या, गर्मी है और भीड़ तो है ही है, पसीना तो आएगा। देखिए जब समस्याएं कैसी है ट्रेन में, बुलेट ट्रेन की बातें तो देश में चल रही है लेकिन जब हम जनरल बोगी में सफ़र करते हैं तब क्या माहौल होता है। भाई क्या नाम तोर? मेरा नाम पीयूष सेन है। कहाँ से हो आप? मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। आपके साथ ही हैं? मध्य प्रदेश से हो? हाँ। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से आ रहे हो कि जा रहे हो? जा रहे हैं रायपुर से। ऐसा, रायपुर में रहते हो? हाँ। क्या करते हो रायपुर में? रायपुर में पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। ठीक है, तो ये बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर भी मैं विजुअल दिखाता हूँ आपको, इधर भी देखिए, इधर तो सीट मिल गया है तो बैठे हुए हैं, लेकिन जो जहाँ सीट नहीं मिला है वहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो काफ़ी दयनीय है। और सरकार जो दावे करती है उस दावे की हकीकत हम दिखाने के लिए जनरल बोगी में आज सफ़र कर रहे हैं।